तरीके से टॉप रैक की प्लेट लग चुकी है और यहाँ पर R1M वाला एग्जॉस्ट है। इसका साउंड भी आपको सुना देते हैं कैसा है। गाइस बाइक बाहर निकालते हैं आराम से। हमने ना साइड पेनिंग्स वगैरह टॉपर्स वगैरह हटाए नहीं है, ऐसे ही कैसे निकाल रहे हैं। कुछ नहीं होगा, निकालेंगे तो ऐसे ही निकालेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए काम करेंगे चंगा, चाहे ठेकेदार हो जाए नंगा। चलो भाई, इस तरीके की बाइक जब मैं देखता हूँ ना तो एक ही बात आती है भाई कि बस निकल चलो, फुल टूरिंग वाला सेगमेंट वाला बाइक बन चुका है। इस तरीके के इसमें प्रॉपर फिटिंग वगैरह इसकी आ गई, ये डी अटैचेबल है। हम लोगों को लगता है इसमें हमारा एक्सपेंसिव सामान रखा है, इसको आप निकाल कर ले जा सकते हो अपने साथ, अपने होटल में, अपने घर में, या फिर इसकी फिटिंग लगी रहती है। इसमें रिफ्लेक्टर वगैरह मिल जाती है, पॉकेट मिल जाती है। ऑल राइट एवरीवन, कैसे आप सब? मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, मेरा नाम है सिकंदर, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल SKD Driver। जैसा कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में देख लिया, आज के सिनेरियो टॉपिक रहेगा वो रहेगा टूरिंग मॉडिफिकेशन में फॉर यामाहा FZS 150 हो या फिर आपके ऊपर 250 हो, इस तरीके का वर्क आ सकता है। ये जो बाइक तैयार हुआ है, ये लास्ट टाइम उसमें काफी सारे काम हुए थे, काफी सारे काम इसमें अब हो रहे हैं। इसकी फिटिंग लग गई है और ये जो इसमें साइड पैनियर्स जो बिल्कुल नए हैं उनको बता दूं, साइड पैनियर्स ये होते हैं कुछ इस तरीके के। इसमें प्रॉपर फिटिंग वगैरह इसकी आ गई, ये डी अटैचेबल है। आप कहीं भी राइड करने जा रहे हो, आप लोगों को लगता है इसमें हमारा एक्सपेंसिव सामान रखा है, इसको आप निकाल कर ले जा सकते हो अपने साथ, अपने होटल में, अपने घर में, या फिर इसकी फिटिंग लगी रहती है। जब आप लोगों को जाना हो तभी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो कुछ। इसलिए पूरा वाटरप्रूफ और फुल्ली प्रीमियम चीज रहती है, अपना कितना ही बढ़िया सामान रख सकते हो आप। डिजाइनिंग काफी सारी मिल जाएंगी, ये मैट ब्लैक में है, आप सिल्वर मिल सकते हैं। डजंट मैटर आप लोगों के पास 250 है या फिर 150 है, सेम सेगमेंट का बाइक का आप इस तरीके का मॉडिफिकेशन करा सकते हो ओनली ऑन SKD बाइक वर्ल्ड। और इसमें जो मॉडिफिकेशन है ये फुल्ली टूरर वाली बाइक बन चुकी है, A to Z 1 to All, बस एक ही कमी रह गई थी। और फिर आपको दिखाते हैं एक फाइनल लुक, चेक करो गाइस यार क्या तो लुक है भाई, कितनी ह्यूज, कितनी बल्की लग रही है भाई। GS हिमालयन और कुछ इस सेगमेंट की बाइक बन चुकी है, अलग लेवल की मॉडिफिकेशन हो गई। तो चेक करो यार लुक फ्रंट का। आप सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि यहाँ पर जो नंबर प्लेट है वो आप लोगों को पता है आगे आती है, तो यहाँ पर आगे लगा दिया नंबर प्लेट होल्डर। इसके अलावा क्रैश गार्ड इसमें लगा दिया हैवी वाला, जो कि कुछ इस तरीके से लुक आ रहा है, डबल स्लाइडर के साथ। राइडिंग के दौरान कभी थक गए हो पैर रख लो, टेंशन ही नहीं है। KTM वाले इसमें लगा दिए हैं मिरर, जो कि कुछ इस तरीके से इसकी विजिबिलिटी अच्छी है। और इसी तरीके से इसका हैंडल बार है, वो भी गाइस KTM वाला ही है, और हैंडल बार राइजर के साथ में इसमें लगा दिया ताकि किसी भी तरीके की राइडिंग के दौरान इशू ना है। और इस वाली बाइक पर इस तरीके की मॉडिफिकेशन बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती हैं शौक पर। ये चेक करो पीछे से कितनी ह्यूज, कितनी बल्की लग रही है। रिफ्लेक्टर के साथ में यहाँ पर साइड पैनियर्स लग चुके हैं, टॉप बॉक्स लग चुका है। और गाइस लुक चेक करो इसका, अभी इसको हम आपको ओपन करके भी दिखाएंगे, बाकी और चीज़ें कवर कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखोगे तो कार्बन रैप कर रखी है और यहाँ पर एयर वाली सीट लगा रखी है, जो कि पंप वगैरह साथ में मिलता है। जिस हिसाब से आपको कंफर्टेबल करनी हो उस हिसाब से आप इसको कर सकते हो। ये सब चीज़ें होती हैं अपने चॉइस के हिसाब से यार। तो ये एयर सीट है यूनिवर्सल, किसी भी बाइक में, किसी भी स्कूटी में भी इनफैक्ट आप लगा सकते हो, तो ये सीन रहता है। तो ये हो गया, काफ़ी कंफर्टेबल है। इसके अलावा थाई पैड्स में लगे हुए हैं कुछ इस तरीके से हैवी वाले, और यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल हैंडल बार के सेंटर में मोबाइल होल्डर लगा हुआ है, जो कि फुल्ली जो है आप लोगों का वाटर प्रूफ है, किसी तरीके का इशू नहीं आता। यहाँ पर ओनली फॉर लुक के हिसाब से लगा रखा है, नहीं भाई पूरा वर्किंग है, हाइड्रोलिक चेक करो गाइस। यहाँ पर हाइड्रोलिक सिस्टम लगा रखा है, जिसमें आपका ये वाला जो है यूनिट आ गई, इस साइड का जो है लीवर आ चुका है पूरा, तो ये क्लच और लीवर पूरे इस तरीके से अटैच हो जाते हैं। ये रहा इसका फ्रंट का लुक। इसके अलावा आप यहाँ पर आपको दिखा देते हैं इसके साइड पैनियर्स, साइड पैनियर्स के अंदर का स्पेस भी चेक कर लो आप। ये लो जी फुल्ली प्रीमियम। अब यार ये जो चीज़ें होती हैं ये होती हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों को महंगा सामान रखना है अपनी बाइक के अंदर जो ख़राब ना हो, लेकिन उनको एक प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम क्या है कि यार हमारे टॉप बॉक्स के अंदर, हमारे पैनियर्स के अंदर बहुत ज़्यादा महंगा सामान रखा है और हम होटल में ऊपर हैं, तो यार ये सामान हमारा सेफ रहेगा नहीं रहेगा, ये तो कोई गारंटी नहीं है सेफ रहेगा नहीं रहेगा। लेकिन एक चीज़ की गारंटी है कि इसको आप हटा सकते हो, डी अटैचेबल। इसको उठाकर अपने होटल में, अपने घर में ले जाओ, जब आपको जाना हो तब भी आप इसको ऑन द स्पॉट अटैच करो, वरना अपनी बाइक का आप लोड कम कर सकते हो या अपने साथ रख सकते हो। तो ये इस तरीके से डी अटैचेबल है, लॉकिंग सिस्टम होता है, यहाँ से निकल जाता है, यहाँ से ये भी निकल जाएगा, यहाँ से ये भी निकल जाएगा, कुछ इस तरीके से ये हो गया कंप्लीट। आप लोगों का मैंने साइड पैनल्स का दिखा दिया है, ये फुल्ली प्रीमियम होता है और काफ़ी ज़्यादा भाई ये ज़बरदस्त चीज़ लगती है। इसी तरीके से मैं आपको टॉप बॉक्स भी दिखा देता हूँ अंदर से। लो जी ये चेक करो गाइस, इसका लुक चेक करो यार। इसी तरीके से टॉप रैक की प्लेट लग चुकी है और यहाँ पर R1M वाला एग्जॉस्ट है। इसका साउंड भी आपको सुना देते हैं कैसा है।
हो गया इसका साउंड। अब इसको निकालते हैं शॉप से बाहर और फिर आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक कैसा आता है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा यूज हो चुकी है तो उसको बाहर ले जाकर थोड़ा खुले में लेके चलते हैं गाइस, और बाहर ले जाके भी आपको एक फाइनल लुक दिखा देता हूँ। बाकी इस तरह के काम किसी भी बाइक में कर सकते हो, डजंट मैटर आप लोगों के पास कौन सी बाइक है, ऑल अबाउट SKD बाइक वर्ल्ड। गाइस बाइक बाहर निकालते हैं आराम से, हमने ना साइड पेंगे वगैरह टॉप ऑफ वगैरह हटाए नहीं है, ऐसे ही कैसे निकाल रहे हैं वरना आराम से निकल जाती। निकालो निकालो आराम से, कुछ नहीं होगा, निकालेंगे तो ऐसे ही निकालेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, काम करेंगे चंगा चाहे ठेकेदार हो जाए नंगा। चलो भाई, ओ भाई क्या तो लुक आ रहा है यार, कसम से इस तरीके की बाइक जब मैं देखता हूँ ना तो एक ही बात आती है भाई कि बस निकल चलो, फुल टूरिंग वाला सेगमेंट वाला बाइक बन चुका है यार ये सब। आप तो यहाँ पर मैंने बाहर इसलिए दिखाई आपको ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके दूर से कैसा लुक आता है, तो कुछ इस तरीके का लुक आएगा इस, ये देख सकते हो। तो ये हो गया गाइस इसका प्रॉपर लुक। बाकी ये FZS 150 पे भी इस तरीके का काम आप करा सकते हो, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात है नहीं गाइस, ठीक है जी। तो इस तरीके काम कराने के आसपास आप दिल्ली करोड़बाग नयावलन मार्केट SKD बाइक वर्ल्ड, SKD बाइक वर्ल्ड नाम से मेरी शॉप है और मेरी शॉप से काफ़ी सारी डुप्लीकेट शॉप भी है, तो जब भी आपने आना है SKD बाइक वर्ल्ड पढ़कर आना। बाकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, एक बार आप कॉल पर बात कर सकते हो। बाकी एक बार मैं आपको अपनी शॉप का जो है बोर्ड दिखाता हूँ कैसा है।